Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of exercise 4.3, question number 3. Solve the following equation. यहाँ पे जो equation दिया गया वो equation को solve कीजिए. Beat question D. 4 plus 5 whole into P minus 1 is equal to 34. So let us define. Exercise 4.3, question number 3, beat question D. 4 plus 5 whole into P minus 1 is equal to 34. तो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 4 प्लस 5 होल इंटू पी माइनस 1. राइट हैंड साइड में क्या है, 34. ये लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, ये 4 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है. तो फिर जब 4 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगी उनका साइन क्या होगा, चेंज होगा, दैट इज माइनस 4. तो ये लिखिए, सो दिस इंप्लाइज 5 होल इंटू पी माइनस 1 इज इक्वल टू 34 माइनस 4. तो यहाँ पे मैंने 4 को, 4 लेफ्ट हैंड साइड में था, वो 4 को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया. सो दैट मीन ट्रांसपोजिंग फोर टू राइट हैंड साइड, 4 को मैंने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया. सो दिस इंप्लाइज दैट 5 होल इंटू पी माइनस 1 इज इक्वल टू 34 माइनस 4. 34 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 30. सो दिस इंप्लाइज दैट तभी ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 5 होल इंटू पी माइनस 1. ये 5 को हटाना है, तो फिर दोनों साइड को 5 में डिवाइड कीजिए. 5 होल इंटू पी माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 30 बाई 5. दोनों साइड को मैंने 5 में डिवाइड किया, तो वही लिखिए, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 5. सो दिस इंप्लाइज दैट 5 कैंसिल, देन पी माइनस 1 दैट इज कॉल्ड 30 बाई 5. 30 इज डिविजिबल बाय 5. 5 6 जा 30, सो पी माइनस 1 दैट इज कॉल्ड टू 6. सो दिस इंप्लाइज तभी ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पी माइनस 1 है. राइट हैंड साइड में क्या है, 6 है. ये लेफ्ट हैंड साइड में जो माइनस 1 है वो माइनस 1 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए. जब राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगी उनका साइन चेंज होगा, दैट इज प्लस 1. तो वही लिखिए, पी इक्वल टू 6 प्लस 1 ट्रांसपोजिंग माइनस 1 ट्रांसपोजिंग माइनस 1 टू राइट हैंड साइड. माइनस 1 को मैंने
राइट हैंड साइड शिफ्ट किया। सो दिस इंप्लाइज सो पी इक्वल टू 6 + 1 दैट इज इक्वल टू 7। दस पी इक्वल टू 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देन नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर ई। जीरो इक्वल टू 16 + 4 होल इंटू ए माइनस 6। जीरो इक्वल टू 16 + 4 होल इंटू ए माइनस 6। तो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 0, राइट हैंड साइड में क्या है 16 + 4 होल इंटू ए माइनस 6। तभी ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड शिफ्ट कीजिए। सो दिस इंप्लाइज दैट 16 + 4 होल इंटू ए माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने क्या किया इंटरचेंज किया। तो वो लिखे इंटरचेंजिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की शिफ्ट किया और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया। तो उसको क्या बोलते हैं इंटरचेंजिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 16 + 4 होल इंटू ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज दैट ए लेफ्ट हैंड साइड में 16 है, ये 16 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए। जब राइट हैंड साइड शिफ्ट करें उनका साइन क्या होगा चेंज होगा दैट इज माइनस 16। तो वही लिखिए 4 होल इंटू ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0 - 16। तो यहाँ पे मैंने क्या किया माइनस 16 को मैंने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया। तो वही लिखिए Transposing 16 to right hand side. So this implies that 4 whole into a minus 6 is equal to 0 - 16 that is equal to माइनस 16। सो दिस इंप्लाइज दैट तभी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 4 होल इंटू ए माइनस 6। ये 4 को हटाना है तो फिर दोनों साइड को 4 में डिवाइड कीजिए 4 होल इंटू ए माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -16/4। डिवाइडिंग बोथ द साइड
बाई 4। दोनों साइड को मैंने 4 में डिवाइड किया, सो दिस इम्प्लाई द 4 4 कैंसिल, देन एम माइनस 6 दैट इज कॉल्ड माइनस 16/4। 16 इज डिविजिबल बाई 4, 4 4 जार 16, सो दैट इज कॉल्ड टू माइनस 4। ए माइनस 6 दैट इज कॉल्ड टू माइनस 4, सो दिस इम्प्लाई दैट। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 6 है, ये माइनस 6 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए। जो राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे उनका साइन चेंज होगा, दैट इज प्लस 6। एम इक्वल टू माइनस 4 प्लस 6, ट्रांसपोजिंग ट्रांसपोजिंग माइनस 6 टू राइट हैंड साइड। माइनस 6 को मैंने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, सो दिस इम्प्लाइज दैट एम इक्वल टू माइनस 4 प्लस 6, माइनस 4 प्लस 6 दैट इज कॉल्ड टू 2। तो एम के वैल्यू कितना मिला, 2 मिला। दस एम इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देन नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। ए कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विथ एक्स इक्वल टू 2। कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विथ एक्स इक्वल टू 2। 3 इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कीजिए, स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, एक्स इक्वल टू 2। सो लेट अस डिफाइन। क्वेश्चन नंबर 4 ये, तो यहाँ पे हमको 3 इक्वेशन बनाना है। तो जो इक्वेशन में स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, इक्वेशन स्टार्टिंग में एक्स इक्वल टू 2 आना चाहिए। सो एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स है, राइट हैंड साइड में क्या है, 2 है। तो अभी दोनों साइड को 3 में मल्टीप्लाई कीजिए। जब दोनों साइड को 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 इंटू एक्स दैट इज 3x इक्वल टू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाई 3। दोनों साइड को मैंने 3 में मल्टीप्लाई किया। तो स्टार्टिंग में क्या था, एक्स इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स है, राइट हैंड साइड में क्या है, 2 है। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड को 3 में मल्टीप्लाई किया। तो जब एक साथ 3 मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 3x और 2 इंटू 3 लिखा, तो वहाँ पे क्या लिखा मैंने, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई 3।
सो दिस इक्वल टू, सो 3x इक्वल 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। सो दिस इंप्लाइज दैट, तो अभी क्या है 3x इक्वल टू 6। अभी दोनों साइड को वन को वन में माइनस कीजिए, थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 6 माइनस वन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों साइड को माइनस वन किया, तो वे लिखे सो थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 6 माइनस वन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों साइड को सब्ट्रैक्ट कितना किया, वन किया, दोनों साइड को माइनस वन किया। तभी देखिए थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल 6 माइनस वन दैट इज इक्वल टू 5। सो 3x माइनस वन इक्वल टू 5। सो ये क्या है, वन इक्वेशन, इक्वेशन वन। तो अभी देख सकते हैं इक्वेशन में क्या होना चाहिए, इक्वल साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3x माइनस वन इज इक्वल टू 5, ये क्या है, सो इट इज ए इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो अभी दो इक्वेशन बनाना है, तो स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स है, राइट हैंड साइड में 2 है। तो अभी दोनों साइड को 3 में डिवाइड कीजिए, सो दिस इंप्लाइज एक्स डिवाइड 3 इज इक्वल टू 2/3। ये दोनों साइड को मैंने 3 में डिवाइड किया, तो वही लिखे डिवाइडिंग 3 dividing both the sides by 3। दोनों साइड को मैंने 3 में डिवाइड किया, सो दिस इंप्लाइज दैट। बाद में दोनों साइड को 5 में ऐड कीजिए, एक्स प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों साइड में 5 ऐड किया, तो वे लिखे एडिंग 5 टू बोथ द साइड्स So this implies that x plus
थ्री प्लस फाइव इज इक्वल टू, तो ये फाइव के नीचे क्या है, वन है। टू प्लस थ्री प्लस फाइव बाई वन, थ्री और वन का एलसीएम कितना है, थ्री है। देन थ्री डिवाइड थ्री, थ्री डिवाइड थ्री दैट इज कॉल वन, वन इंटू टू दैट इज कॉल टू, प्लस थ्री डिवाइड वन, थ्री डिवाइड वन दैट इज कॉल थ्री, थ्री इंटू फाइव, थ्री फाइव जार फिफ्टीन। सो दिस इंप्लाइज दैट एक्स बाई थ्री प्लस फाइव इज इक्वल टू टू प्लस फिफ्टीन, टू प्लस फिफ्टीन दैट इज इक्वल टू सेवेंटीन, सेवेंटीन बाई थ्री। तभी देखिए एक्स बाई थ्री प्लस फाइव इक्वल टू सेवेंटीन, सेवेंटीन बाई थ्री, ये क्या है, एक इक्वेशन है। सो दिस इज द इक्वेशन टू। तो अभी और एक इक्वेशन फाइंड करना है, तो स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, x इक्वल टू टू, x इक्वल टू टू, लेफ्ट हैंड साइड में x है, राइट हैंड साइड में 2 है। तो अभी दोनों साइड को 4 में मल्टीप्लाई कीजिए। सो दिस इंप्लाई दैट 4x इज इक्वल टू 2 इंटू फोर। तो दोनों साइड को मैंने क्या किया, 4 में मल्टीप्लाई किया। तो वही लिखिए, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स, बाई 4। सो दिस इंप्लाइज दैट 4x इक्वल टू 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8। फोर एक्स इक्वल टू 8। अभी दोनों साइड को 3 में माइनस कीजिए। सो दिस इंप्लाइज दैट 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 3। अभी मैंने क्या किया, दोनों साइड को 3 में माइनस किया। तो वही लिखिए, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ द साइड, सो दिस इंप्लाइज दैट 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5। 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो ये क्या है, एक इक्वेशन है, द इक्वेशन 3। आप भी ऐसा कोई भी नंबर लेकर इक्वेशन बना सकते हैं।